6 फरवरी तुर्की के लिए एक काला दिन था। 6 फरवरी को आया 7.8 तीव्रता का भूकंप तुर्की में 40,000 से ज्यादा लोगों को निगल गया। लेकिन तुर्की में कुछ अजीब हो रहा है। 20 फरवरी को तुर्की और सीरिया में एक बार फिर भूकंप आया है। इस भूकंप की तीव्रता 6.4 थी। इस भयानक भूकंप में भी 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ये नया भूकंप आया तो तुर्की के लोगों में दहशत पैदा हो गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। मौके पर मौजूद पत्रकारों के अनुसार तबाह हो चुके शहरों में नए झटकों की वजह से धूल के बादल उठ गए, क्योंकि पिछले भूकंप में जो इमारतें क्षतिग्रस्त हुई थी उनकी दीवारें इस भूकंप में गिर गई और मलबे से धुएं का गुबार उठ गया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब 6 फरवरी को तुर्की में पहला भूकंप आया था, उसके बाद से अब तक 6,000 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए हैं। यानी पहले भूकंप के बाद तुर्की की जमीन 6,000 से ज्यादा बार हिल चुकी है। तुर्की के लोगों में इतनी दहशत है कि वो चैन से सो भी नहीं पा रहे। आपको बता दें कि तुर्की एक बेहद ही संवेदनशील जगह पर स्थित है। तुर्की 3 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में फंसा हुआ है। तुर्की एनाटोलियन प्लेट पर स्थित है। ये एनाटोलियन प्लेट अरब प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच स्थित है। यही कारण तुर्की को बेहद संवेदनशील बना देता है। अरब प्लेट जब तुर्की की एनाटोलियन प्लेट को धकेलती है तो इसकी टक्कर यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेटों से भी होती है। इसी वजह से तुर्की में बार बार बड़े भूकंप आते हैं। साल 1999 में भी तुर्की में एक बड़ा भूकंप आया था जिसमें 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बहरहाल आपको बता दें कि भूकंप के बाद तुर्की ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब तुर्की में क्षतिग्रस्त इमारतों को जब दोबारा बनाया जाएगा तो इनमें से कोई भी इमारत अब 3 या 4 मंजिल से ऊंची नहीं होगी। नए घरों को पहाड़ों के करीब फॉल्ट लाइन से दूर बनाया जाएगा ताकि भूकंप की स्थिति में नुकसान ज्यादा ना हो।